सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी जस्ट एक से दो दिन पहले ही SSC स्टेनोग्राफर 2023 का रिजल्ट आया था। सो उसमें मेरा पेपर वन क्लियर हो गया और अब बस मुझे स्किल टेस्ट देना है। सो उसकी तैयारी चल रही है। बाकी कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी इसी रिजल्ट को लेकर। सो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। एंड उसी वीडियो पे कई सारे भाइयों के ये कमेंट आ रहे थे कि भाई आपने अपना इंग्लिश का सिलेबस कैसे कंप्लीट किया और रीजनिंग कहाँ से पढ़ते थे और GS वगैरह। सो कई सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने ये भी कहा था कि मैं बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो सोचा कि आज ही कर देता हूँ। बाकी आपको ये शॉर्ट हैंड की दो किताबें यहाँ पर दिख रही होगी और मेरे पास दो बुक हैं और ये दो बुक मैंने गलती से ली है, मेरे को एक लेनी चाहिए थी। बाकी मैं इस बुक के बारे में आपको लास्ट में बताऊँगा कि आपको ये बुक कहाँ से लेनी है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जो भी है सारा कुछ। अच्छा, तो अपन बात करते हैं स्टेनोग्राफर 2024 को लेकर। अच्छा, ये जो पेज है इसका मैं आपको PDF टेलीग्राम वाले ग्रुप में सेंड कर दूंगा और उस ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो इसमें क्या होता है, आपका एक ही पेपर होता है 2 घंटे का, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका 10+2 क्लियर होना चाहिए, 12th पास हो तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे। इसमें क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है, Tier 1 बोल सकते हो या फिर Paper 1 बोल सकते हो। उसके बाद होता है स्किल टेस्ट। तो Paper 1 होता है आपका 2 घंटे का, जिसमें आपका इंग्लिश आता है, GS आता है, रीजनिंग आता है। इंग्लिश 100 क्वेश्चन, GS 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके हो गए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, ओके। मैक्सिमम आप जितना ला सको उतनी अच्छी बात है। एज की अपन बात करते हैं। अच्छा, इसमें 2 ग्रेड होता है, एक होता है ग्रेड सी, एक होता है ग्रेड डी। सो अपन एज की बात कर रहे थे तो इसमें जो मिनिमम एज होता है वो होता है 18 और जो मैक्सिमम होता है वो होता है 13 और 27 भी होता है। देखो ग्रेड सी के लिए मैक्सिमम एज होती है आपको 30, यानी कि मिनिमम 18 से लेकर 13 तक आप भर सकते हो ये वाला फॉर्म ग्रेड सी। ग्रेड डी की बात करें, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 27। अगर आप 27 से ज़्यादा हो तो फिर आप ग्रेड डी का फॉर्म जो है फिल नहीं कर पाओगे, ओके। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो वहाँ पे ऑप्शन आता है आपको ग्रेड सी के लिए भरना है या फिर ग्रेड डी के लिए भरना है या फिर आप दोनों के लिए भर सकते हो। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 है, ओके। अब आते हैं स्किल टेस्ट को लेकर। देखो जब आपका Paper 1 क्लियर हो जाएगा उसके बाद होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए आपको 2 से 3 महीने मिलते हैं, वो SSC पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम देती है आपको। इसमें क्या होता है, ग्रेड सी की अपन बात करें तो आपका जो स्पीड है, स्टेनो की जो स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और ग्रेड डी की बात करें तो 80 होनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट, ओके। देखो अगर 2024 की अपन बात करें तो जो फॉर्म आएगा वो आएगा जुलाई में, जुलाई 2024 में फॉर्म आएगा इसका, और जो एग्ज़ाम होगा वो होगा अक्टूबर से नवंबर के बीच। अक्टूबर में भी हो सकता है या फिर नवंबर में भी हो सकता है, ओके। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आते हैं 100 क्वेश्चन, यानी कि 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, जिसमें देखो सबसे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर का आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद एडवर्ब, टेंस, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, वॉइस, नैरेशन, ये टोटल 12 चैप्टर हैं, ओके। उसके बाद अगर अपन बात करें वोकैब की तो उसमें आपको सिनोनिम्स पढ़ना पड़ेगा, जहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एंटोनिम्स 5 मार्क्स यहाँ से भी आते हैं, एडियम्स से भी 5 मार्क्स आते हैं, उसके बाद जंबल सेंटेंस से भी 5 मार्क्स आते हैं। देन फिर सबसे इंपॉर्टेंट, पैसेज ले लो या फिर क्लोज टेस्ट ले लो, यहाँ से आता है आपको 30 से लेकर 35 मार्क्स, ओके, डन है ये। और उसके बाद वॉइस और नैरेशन, यहाँ से भी आपको 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो ये था इंग्लिश का पैटर्न, ओके। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट, जहाँ से 30 से लेकर 35 क्वेश्चन आते हैं, 30 से लेकर 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ओके। आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा आपको तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले तो एक बेस्ट टीचर पकड़ो, कोई सा भी टीचर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने किस टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट करा इंग्लिश का, तो अमन वशिष्ठ सर यूट्यूब पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और भी कई सारे टीचर हैं, ओके। मैंने वैसे इंग्लिश को लेकर ना एक वीडियो बनाई है, उसमें कई सारे टीचरों के बारे में मैंने बताया है, जिसमें रानी मैम, नीतू मैम, उसके बाद तरुण सर हो गए और भी कई सारे टीचर हैं, अमन सर हो गए। सो मैंने कई सारे टीचरों के वहाँ पे नाम भी लिए हैं। सो आप वो वीडियो ना, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आपने देखा है तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार देख लेना, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम की वीडियो है, ओके। तो आपको किसी बेस्ट टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वोकैब पर डे याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ से कम आता है, टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं मात्र, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ पर डे याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रीडिंग की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी, क्योंकि रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, पैसेज के लिए और क्लोज टेस्ट के लिए। सो ये था इंग्लिश का सारा डन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। अब अपन बात करते हैं GS को लेकर। देखो GS में क्या है,
50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। इसमें आपको सोशल में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों हो गया। देन फिर करेंट अफेयर आपको लास्ट के एट टू टेन मंथ, हाँ 8 से 10 मंथ का याद करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में स्टैटिक जीके, जिसमें आपको 14 से 15 टॉपिक लर्न करने पड़ेंगे, जैसे वो इम्पोर्टेंट डांस हो गया, उसके बाद घराना हो गया और स्पोर्ट्स टर्म्स हो गए। तो कई सारे टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक जीके में आते हैं, टोटल 14 टू 15 है ओवरऑल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जीएस के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, कहाँ से पढ़ें, बेस्ट टीचर कौन सा है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, सो उस वीडियो की भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोनों वीडियो देख लेना, इंग्लिश वाली भी और जीएस वाली भी। इसमें क्या करना है आपको, किसी अच्छे टीचर से, बेस्ट टीचर से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपने कर लिया है तो फिर बस रिवीजन करते रहो, अगर नहीं करा है तो आप कर सकते हो सिलेबस कंप्लीट, ओके। उसके बाद आपको कंटिन्यू रिवाइज करना है। एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया फिर आपको रिवाइज बस यही काम है, ओके। सो आपका जीएस भी डन हो गया, वीडियो देख लेना जीएस वाली। सबसे लास्ट में अपन बात करते हैं रीजनिंग, यहाँ से भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं आती है तो आप लोग ईजिली कर लोगे, ओके ओके। इसमें क्या कौन कौन से टॉपिक हैं, तो नंबर 1 पे है एनालॉजी, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद सीरीज, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, उसके बाद टॉपिक नंबर 6 ब्लड रिलेशन, देन फिर वेन डायग्राम, डाइस एंड क्यूब, सेटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके बाद टॉपिक नंबर 12 का हो गया कैलेंडर, देन वर्ड अरेंजमेंट, फिर काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, उसके बाद मिरर एंड वाटर इमेज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, चैप्टर नंबर 17 आपका हो गया पजल, उसके बाद सबसे लास्ट में मिसलिनियस। सो देखो रीजनिंग को लेकर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है कि बेस्ट टीचर कौन सा है, आप कहाँ से पढ़ो, वैसे तो सारे टीचर बेस्ट हैं, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, चाहे आप रीजनिंग पढ़ो, या फिर आप जीएस पढ़ो, या फिर आप एसएससी का जो अदर एग्ज़ाम होता है लाइक सीजीएल के लिए मैथ पढ़ो, तो सारे टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं। बाकी मैंने रीजनिंग को लेकर कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो वीडियो मैं बहुत ज़्यादा अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों में। सो अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हो तो आप उनसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। सो टोटल 3 सब्जेक्ट उसमें आते हैं, इंग्लिश रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया। इंग्लिश रीजनिंग और जीएस टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। सो नाउ अब अपन बात करते हैं स्टेनो को लेकर। देखो स्टेनो की मार्केट में कई सारे बुक आती है, लेकिन एक बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, पिटमैन। आई थिंक पिटमैन ही आता होगा, मेरे को उतना आइडिया तो नहीं है, बट हाँ पिटमैन का नाम मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। और एक भैया है वो काफ़ी दूर रहते हैं, मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, बट हाँ मैं उनको जानता हूँ, नोएडा में ही रहते हैं। सो अभी वो मिनिस्ट्री में जॉब कर रहे हैं दिल्ली में, सो वो भी उनकी जॉब ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी वो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में, लक्ष्मी नगर में। सो उन्होंने मेरे को बोला कि नितिन पिटमैन की बुक लो, बेस्ट होती है। तो उन्होंने मुझे बोला लेने के लिए आपको ये रेड वाली बुक, और इस रेड वाली बुक का नाम है न्यू एरा पिटमैन, न्यू एरा शॉर्ट हैंड। तो उन्होंने मुझे ये वाली बुक लेने को कहा था, न्यू एरा, लेकिन जब मैं दुकान पे गया तो मेरे को शॉप पे ये वाली बुक मिली नहीं, और मेरे को लेनी थी बुक। सो फिर मैंने ये पिटमैन शॉर्ट हैंड जो आपको दिख रही होगी ग्रीन वाली बुक, मैं ये लेके आ गया, और ये बुक भी काफ़ी अच्छी थी। बट मैं जो अभी फिलहाल जो कर रहा हूँ ना, ये मैं न्यू एरा से कर रहा हूँ, न्यू एरा पिटमैन, ये जो आपको रेड वाली बुक है इसी से अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो देखो आप बुक कोई से भी ले सकते हो, दोनों बुक काफ़ी अच्छी है। और बात करूँ कोचिंग की, तो आप ऑफलाइन भी सीख सकते हो, ऑनलाइन भी सीख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके घर के आसपास कोई सिखा रहा है ऑफलाइन तो आप वहाँ से सीख लो, या फिर अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, कई सारे यूट्यूब पर भी चैनल हैं जो ऑनलाइन सिखा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम की, तो देखो पेपर 1 एग्ज़ाम होगा आपको अक्टूबर में, और जो स्टेनो का जो स्केल होगा वो होगा आपको आई थिंक जनवरी में ले लो आप, तो जनवरी में होगा इसका स्किल टेस्ट। तो अभी काफ़ी टाइम है, 1 साल है, तो आप 1 साल ऑनलाइन भी सीख सकते हो या फिर ऑफलाइन भी सीख सकते हो, बट हाँ आपको कंटिन्यू सीखना पड़ेगा, ये नहीं कि आज हमने सीखा और फिर 5-6 दिन गैप लेके, तो फिर ऐसे में क्या होगा ना कि प्रैक्टिस वो हो जाएगी, मिस हो जाएगी ना, समझ रहे हो ना, प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी अभी उतना परफेक्ट हुआ नहीं हूँ, तो बाकी मेरी भी प्रैक्टिस चल रही है। सो आप ऐसा कर सकते हो, एंड इसके अलावा फिर भी आपको कोई क्वेरी वगैरह होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हो, उस ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जीएस और इंग्लिश की जो वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो दोनों वीडियो देख लेना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वैसे भी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है। सो बाय।